मंत्री चौधरी अदर सिंह जी, पूर्व मंत्री हमारे भाई छत्रपाल जी, पूर्व मंत्री पूर्व विधायक हमारे भाई बलवान दौलतपुरिया जी, बैजंगर जी बताए दी हुआ घुमाना है, भोपाल जी आपको बोलो भूपेंद्र गंगवाल जी, राम निवास जी, भाई डॉक्टर अजय जी, राजेश जी अंबरसर, अन्य सभी साथीगण, मेरी बहने प्रेमलता जी, अन्य सभी साथीगण, ऊपर करो माइक ना भाई, यहाँ उपस्थित हमारे सम्मानित किसान नेतागण, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान भाइयों, मेरी बहनों, महीनों से आप सभी यहाँ पर गर्मी में बैठे, मेरी बहनें इतनी तादाद में जब मैं पहले आई थी तब भी बैठी थी, आज भी आप इतनी संख्या में यहाँ पर, तब हम आए थे आपके समर्थन के लिए, जिन मांगों को लेकर मेरे भाई और बहन यहाँ बैठे, आपकी मांगों को लेकर उसमें अपनी भी आवाज जोड़ने के लिए हम यहाँ आए थे, क्योंकि अपने घर का मामला है, गुआन का मामला है। लेकिन आज बहुत दुख की घड़ी में हमें आपके बीच में आना पड़ा है, काश ऐसा समय ना आता और आना भी नहीं चाहिए। जो मांग लेकर आप यहाँ बैठे थे, कोई बड़ी मांग नहीं, छोटी सी मांग है, गांव के लेवल की मांग, और अगर प्रशासन चाहता, सरकार चाहती, प्रशासन को एक इशारा करना था और उस समस्या का हल निकल आता। कौन सी ये इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय समस्या, लोकल बात, गांव की बात, और सरकार चाहे तो ये कर सकती, लेकिन इनकी नियत नहीं थी, बैठे रहो भाई, किसानों को तो लोगों को बैठने दो, साल भर वहां भी जैसे भाई बजरंग जी कह रहे थे, साल भर हमारे किसान नेता बैठे रहे, आखिर झूठ सच बोल के उठाया, और आज तक पूरी मांगे उनकी जो मानी थी सरकार ने पूरी नहीं की है, जान गए वो MSP कमेटी और सारी बातें, तो ऐसी सरकार का विश्वास कैसे हो? आज ऐसी घड़ी आ गई। लेकिन साथियों, हम सबको इस बात में एकजुट रहना है, दुख की घड़ी में एकजुट रहना है, और बात मांगों की नहीं है। आज जो स्थिति पैदा हुई यहाँ पर, जिसके लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेवार, आज जो यहाँ पर हमारे साथी, हमारे भाई, हमारी बहनें कुछ बातें रख रहे हैं, बेशक उनको हम मांगे कहें या इंसाफ कहें, उन बातों को इस सरकार ने मांगना चाहिए, यहाँ पर मौजूद हो और ऐसा हो जाए, आप लोगों को दोषी कैसे ठहरा सकते हैं? ये तो पुलिस ने जिस तरह से जो स्थिति पैदा की उसकी इंक्वायरी होना चाहिए, और जो दोषी हैं पुलिस में हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक तरफा कहानी कैसे शुरू हो गई? स्थिति आपने संभाली नहीं, जायज मांग थी एक, क्या गौशाला के लिए, गौशाला के लिए थोड़ी राशि की बात की आप एक तरफ बात कर, तो मैंने उस दिन भी कहा था, एक तरफ हम गौ रक्षक, गौ भक्त बनते हैं, और दूसरी ओर
दूसरी ओर हम जो बेसहारा, कई बार कहा जाता है आवारा पशु, लेकिन मैं समझती हूँ कि वो बेसहारा पशु है, आवारा नहीं। पशु मूक है, अपनी जबान से कुछ कह नहीं सकते।